नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। हीम स्तूप, जिसे अंग्रेजी में आइस स्तूपा के नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार सोनम वांगचुक ने लद्दाख के किसान और लद्दाख वासियों के लिए वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के उद्देश्य से किया था। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर लद्दाख वासियों को या लद्दाख के किसानों को जल संरक्षण का जरूरत क्यों पड़ा। दोस्तों, लद्दाख समुद्री तल से लगभग 3505 मीटर की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर रहने पर वो काफी शुष्क वायुमंडल वाला इलाका है और वो एक प्रकार का डिजर्ट एरिया है, यानी मरुस्थल इलाका है। तो इसलिए वहाँ पे फसल ना के बराबर होती है और वहीं वहाँ पे जो बारिश ठंडी के मौसम में हमें देखने को मिलती है और वो भी लगभग 50 से 100 mm के बीच में ही वहाँ पे वर्षा होती है और वो भी वर्षा वहाँ के किसानों के लिए किसी काम की नहीं हो पाती, क्योंकि ठंडी में वर्षा की किसान को जरूरत नहीं होती है और वो भी वर्षा का पानी रिसाव करके मैदानी इलाकों पे आ जाता है, यानी वर्षा का पानी वहाँ पर टिक नहीं पाता जिसे वो संरक्षण करके बाद में उपयोग कर सके। तो ये समस्या काफी दिनों से है वहां पर और पिछले कई सालों से किसानों के लिए वहां पर केवल हिम नद ही उपयोगी थे, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण 50 से अधिक हिमनद पिघल चुके हैं जिसके कारण वहां पे खेती करने में काफी समस्या होती है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये हिम स्तूप काम क्या करता है। दोस्तों, हिम स्तूप जो होता है वो पानी को फ्रीज करके रखता है और जब स्प्रिंग सीजन आता है तब यह अपने पानी को धीरे धीरे रिसाव करता है, यानी पानी को पहले बर्फ बनाकर रखता है और स्प्रिंग सीजन में यानी वसंत ऋतु में यह इसका रिसाव करता है और यह किसानों के लिए काफी उपयोगी होता है। ये तो रहा इसका क्रियाकलाप। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे, आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनुसार इसमें हाई स्कूल के साइंस का उपयोग किया गया है। दोस्तों, लिक्विड यानी तरल पदार्थ में यह गुण होता है कि वो हमेशा अपने लेवल को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने भी इसी फॉर्मूला का उपयोग किया था। हिम स्तूप को बनाने में सबसे पहले जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यानी जो पहाड़ के सबसे ऊपर की चोटी होती है या ऐसे स्थान जहां से नदियों का मेन सोर्स होता है या जहां से वर्षा होती है या जहां से सबसे अधिक ग्लेशियर पिघलते हैं, वहां पे अंडरग्राउंड पाइप ले जाया जाता है और वहां से पानी को अंडरग्राउंड होते हुए जो लद्दाख के मैदानी इलाके हैं जहां पे किसान अपने कृषि के लिए जमीन का उपयोग करते हैं, उसके आसपास एक समतल इलाके पे उस पानी के पाइप को ले आया जाता है। वो पानी अपना लेवल बरकरार रखने के लिए और ऊपर उठेगी और वहीं हमारे पास जो अंतिम सिरा है, अगर हम उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को थोड़ा कम कर दें या और अधिक कम कर दें तो यहाँ पे जो दाब होगा वो दाब में अंतर पड़ेगा और दाब में अंतर पड़ने के बाद से जो वेग होगा पानी का वो और तेज हो जाएगा और पानी छोटे छोटे बूंदे और फवारे के रूप में और ऊपर उठेंगी। और जब पानी और ऊपर उठेगा तो वह जब ऊपर उठने के बाद से जैसे ही वो वायु के संपर्क में आएगा तो -20 डिग्री या -30 डिग्री के लगभग तापमान में वह अपना ताप खो देगा और ताप खोने के बाद से वो बर्फ बनकर नीचे गिरेगा और धीरे 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 ये एक शंकु का आकार ले लेगा। तो दोस्तों, ऐसे हिम स्तूप का निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण में तीन चीजों का काफी अधिक ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि जो पानी का सोर्स होता है वहां पे कहीं भी जो पाइप हो वो फटा नहीं होना चाहिए और जो मेन सोर्स से हम पाइप को लाते हैं उसे एक निश्चित स्तर पे अंडरग्राउंड करके लाया जाता है। स्तर का मतलब कि उसे अंडरग्राउंड में कैसे लेवल पे रखा जाता है जहां पे पानी लगभग फ्रीज होने के कगार पे हो, मतलब वो फ्रीज ना हुआ हो, वो बर्फ ना जमा हो, वो लिक्विड ही हो, परंतु अगर थोड़ा सा भी उसके ताप को कम किया तो वे ठोस बन जाए। इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही पानी का रिसाव होते हुए वो ऊपर फवारे में निकलता है तो वो वायु के संपर्क में आने के बाद कुछ ही सेकेंड के बाद वो बर्फ बन जाता है और बर्फ बनने के बाद नीचे गिर जाता है। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज इसे ध्यान में रखना रहता है वो ये है कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो जो शुरुआत में जो मेन सोर्स में पाइप यूज किया जाता है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो अंतिम पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कम होना चाहिए, क्योंकि तभी वेग बन के ये ऊपर फवारे की तरह उड़ सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो शंकु आकार बनाता है इसमें भी एक वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, जो शंकु का आकार होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आयतन से कम होता है जिसके कारण वह सपाट बर्फ के अपेक्षा काफी धीमे से पिघलता है।
दोस्तों ये जो आप हिम स्तूप देख रहे हैं ये DW न्यूज के YouTube चैनल पर प्रकाशित किया गया था। जिस समय ये फोटो खींचा गया है उस समय यह हिम स्तूप लगभग 5 महीने पुराना था और इसमें अभी भी लगभग 1.5 करोड़ लीटर पानी जमा है, जिसमें हर दिन 50,000 लीटर पानी की रिसाव होता है, जिसे किसान हर रोज अपने उपयोग में लाते हैं। दोस्तों मिस्टर सोनम वांगचुक सर ने इसे अक्टूबर 2013 में अस्तित्व में लाया था, जिसके लिए 2016 में उन्हें रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस का भी अवार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों ये थी हिम स्तूप की पूरी पृष्ठभूमि। अगर आपको सर सोनम वांगचुक पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। नमस्कार।